अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक फिर बड़ी एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि जी इंडिया का जो चंद्रयान थ्री है बेसिकली उसकी जो लैंडिंग हुई है मून के ऊपर तो हर कोई जी जैसे नॉलेज है या नहीं है और एक जो गुस्सा वैसे भी लोगों का आजकल एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा है तो लोग आई और ये स्पार्को दोबारा कंपेरिजन करना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यू मस्ट हैव सीन ऑल दिस ये जो इंडिया की ये जो मून पे ये लैंडिंग हुई है इनके चंद्रयान थ्री की इससे इंडिया को क्या एक नॉर्मली कोई इकोनॉमिकल फायदा हो सकता है नो डाउट एक साइंटिफिकली तो उन्होंने एक अच्छी अलीट में आए हैं वो लोग कोई शक नहीं कि मेहनत की है उन्होंने पर हाउ डू यू सी दिस लाइक इकोनॉमिकल फायदा अभी नहीं ये आने वाले सालों में होगा और वो इसलिए कि चांद अब एक बेस के तौर पर इस्तेमाल होगा जैसा कि एक रेलवे स्टेशन है ना तो ये निज़ाम शमसी के दूसरे सियारों तक जाने के लिए मगर अलावा उसके स्पेस प्रोग्राम अब इंतहाई ज, 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 अब फायदेमंद हो गया अब इंडिया ने रॉकेट लॉन्चिंग जो जो सैटेलाइट लॉन्चेस लौ, लौ, पर महारत हासिल कर ली है अब आप अपना सैटेलाइट उनके रॉकेट से लॉन्च कर सकते हैं और इंडिया ने एक रॉकेट से 100 सैटेलाइट्स एक, एक वक्त पर लॉन्च किए अब ये आ, काफी बड़ा कमाल है और अब आप ये पूछेंगे कि सैटेलाइट्स का फायदा क्या अब तो दुनिया के निजाम सैटेलाइट्स पर चल रहा है जब आ, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो दो रस्ते होते हैं एक सैटेलाइट के जरिए से और एक केबल से लेकिन केबल बहुत लंबी बिछानी पड़ती है सैटेलाइट के लिए कोई केबल की जरूरत नहीं लिहाजा सैटेलाइट अब ज्यादा पसंद किए जाते हैं फिर आप रि, रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि ये देख सकते हैं कि ग्लेशियर कहाँ पिघल रहे हैं कहाँ ये फसल खराब हो रही है कौन सी फसलें हैं उनको क्या पानी कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है आप रिमोट सेंसिंग से जमीन के ऊपर हालात को एकदम जान सकते हैं अच्छा अब चांद जान पर जाने का जो फायदा है वो तो अब इतना ज्यादा है कि अब मेरा ख्याल एक दौड़ शुरू होगी अब जो तीन मुल्क पहले गए थे चौथा इंडिया है ये तो एक बात है इससे आगे भी इंडिया निकल गया मरीख तक और उनका जो खलाई जहाज है उसके गिरद अब भी वो चक्कर लगा रहा है तो अब देखिए आने वाला वक्त हमें बताएगा कि ये किस कदर फायदेमंद है एक मुल्क के लिए